So we will start teaching aptitude today, okay? And as I told you in the previous class, actually this is our first class. Those who are newly joined aspirant, this is our first class. Yesterday I just told a few things about the course, okay? So today will be our first class of this crash course, okay? And here we will discuss about the first topic of teaching aptitude, okay? See, there are six topics of teaching aptitude, as you can see here in the syllabus. That is attitude towards education, children and teaching profession, teaching interest, leadership qualities and group management, emotional and social adjustment, intrapersonal and interpersonal skill, general awareness. ठीक है, but if you see the questions, then you need to read something else. Okay, कुछ और थोड़ा पढ़ना पड़ता है to do all the questions. Okay. देखो आरआईसी के एग्जाम में अगर आपको बेसिक इफ यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिफरेंट थिंग्स इन टीचिंग एप्टीट्यूड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. सम कीवर्ड्स आर देयर दैट विल बी एक्सप्लेन टुडे. ठीक है, आरआईसी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आई विल शो यू द क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. उसमें अगर आपका कुछ बेसिक नॉलेज या अगर आप जो की टर्म्स के बारे में, की फ्रेजेस के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू to solve the questions. Okay, so see, that's why I will tell the basics of teaching aptitude today. आज के क्लास में आपको बेसिक्स बताऊंगा. सी, सबसे पहला कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, अगर आप अपना सिलेबस देखोगे आरआईसी का, सो सिलेबस में लिखा है टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड. ठीक है, मतलब दोनों है यहाँ पे, बट एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड आर नॉट सिमिलर. ओके, एग्जैक्टली सेम नहीं है, अलग अलग चीज है. पहले उसको समझ लेते हैं. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एप्टीट्यूड. ठीक है, देखो एप्टीट्यूड ऑफ एनी स्टूडेंट इज द इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच मेक्स द डिफरेंस विद अदर. आपके अंदर जो एप्टीट्यूड है, जो टैलेंट है, ठीक है, उसके वजह से आप डिफरेंट हो दूसरों से. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी भी फील्ड में कोई प्राइज मिला है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डिबेट, पेंटिंग्स, कोई भी फील्ड में आपको प्राइज मिला है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, कुछ भी प्राइज मिला है. सो आपके अंदर वो टैलेंट है, इंटरनल एबिलिटी है, जिसके वजह से आप कुछ जो एक्स्ट्रा काम, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या फिर आप डिफरेंट हो पाए दूसरों से. ठीक है, दैट इज योर एप्टीट्यूड. मीन्स योर इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, इट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर. ठीक है, सो दैट इज योर व्हाट aptitude. Sometimes aptitude of a student is not known to the student. ठीक है, and इसको teacher के द्वारा जो है, मतलब निकाला जाता है, निखारा जाता है, जो बोल हम लोग बोलते हैं, मतलब कुछ कुछ चीजें internal ability ऐसा होता है जिसको हमको, अगर हम students को time देंगे तभी वो उसको generate, मतलब जो है उनके अंदर generate कर पाएंगे. बहुत देखो, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस, कुछ ना कुछ जो है इंटरनल एबिलिटी होता है. तो जैसे उनको टाइम मिलता है या फिर उनको सपोर्ट मिलता है, वो अपना इंटरनल एबिलिटी को अच्छे से दिखा पाते हैं, बाहर निकल पाते हैं, एप्टीट्यूड उनका स्ट्रांग होता है उससे. ठीक है, सो सिंपली अगर हम समझेंगे तो कोई भी चीज दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर, ओके, और एनी टैलेंट दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर इज एप्टीट्यूड. ओके, एप्टीट्यूड ऑफ एनी स्टूडेंट इज द इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट that makes you different from other. Okay, that makes him or her different from other. And aptitudes cannot be cultivate. One simply cannot cultivate aptitude. Rather, aptitude of the student is totally depends on the practice. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बहुत सारे बच्चों के अंदर internal abilities होते हैं बहुत सारे different चीज के लिए. ठीक है, लेकिन जब तक उनको उसी पर्टिकुलर एरिया में सपोर्ट नहीं मिलता टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, मेनली टीचर्स एंड पेरेंट्स और गार्जियन आप बोल सकते हो, जब तक उनको सपोर्ट नहीं मिलता तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे उसमें. फॉर एग्जांपल, आप जो है बैडमिंटन खेलना चाहते हो, आप स्विमिंग करना चाहते हो, या फिर आप कोई भी, मतलब जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपके जो टीचर्स होंगे और आपके पेरेंट्स होंगे वो सिर्फ आपको करिकुलर एक्टिविटी, मतलब सिर्फ स्टडीज करने के लिए बोलेंगे, तो फिर आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाला जो टैलेंट था वो नहीं, मतलब आप, मतलब ये कर पाओगे. टैलेंट था आपके अंदर, इंटरनल एबिलिटी था आपके अंदर, लेकिन वो ग्रो नहीं हो पाएगा, वो एप्टीट्यूड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है, मतलब
वो जो मतलब आपका एप्टीट्यूड ग्रो नहीं हो पाएगा जो कि रिमार्केबल हो या जिसको मार्क कर सके। इसीलिए एप्टीट्यूड कैन नॉट बी कल्टीवेटेड सिंपली, ओके, इजीली कल्टीवेट नहीं कर सकते। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होगा। द मोर यू प्रैक्टिस, ओके, द मोर स्ट्रांगर एप्टीट्यूड यू विल हैव। क्लियर? सो दैट इज द थिंग, द टू बी ए स्ट्रांग इन द एप्टीट्यूड, स्टूडेंट्स मस्ट हैव एनोरमस इंटरेस्ट इन द एरिया। द फर्स्ट की वर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज दैट इंटरेस्ट। आप जस्ट जैसे मैं आपको कीवर्ड्स बताता जाऊंगा, आप थोड़ा नोट डाउन करते जाना, ठीक है? पहले तो आपने देखा एप्टीट्यूड तो आप समझ जाएंगे, जो डेफिनेशन है वो समझ जाएंगे, लेकिन जो छोटा छोटा चीज होता है जिसको ऑलरेडी आप जानते हैं, यू नो अबाउट दिस वर्ड, आप ये नहीं जानते थे लेट अस से, बट लेकिन आप ये डेफिनेटली जानते थे, ठीक है? ऐसे वर्ड्स में बोलूंगा जो बहुत दिखने में बहुत सिंपल होता है लेकिन क्वेश्चन उसी के ऊपर आता है, मतलब जो कंसेप्ट है उसी के अंदर छुपा हुआ है। सो हियर to be strong in the aptitude, student must have enormous interest in the area in which they are interested or they are what they are practicing or they are studying, theek hai, or they are means suggested to do work। to main agar aapko bolunga ki aap doctor ban jao lekin aapko biology padhne mein interest nahi hai to aap doctor nahi ban paoge, ये फिर कोई ऐसे फील्ड के बारे में मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा लेकिन आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स आपको सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन आपको टीचर बनने के लिए इंटरेस्ट है या उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हो, वो आप एम अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है? दैट्स व्हाई इंटरेस्ट इज द की वर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके अराउंड जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा मतलब रिवॉल्व करता है, ठीक है? इतने जो कुछ की वर्ड्स होंगे 15 या 20 मैं आपको बताऊंगा जिसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। तो पहला कीवर्ड है इंटरेस्ट। अगर बच्चों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो एक टीचर चाहेगा पढ़ाने के लिए तो भी नहीं पढ़ा पाएगा। आप जब क्लास में जाते हो ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी दिया, RIC के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आप क्लास में जाते हो, बच्चे मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू What? Learn today, ठीक है? They are not interested to learn further or वो समझना नहीं चाहते और they are not interested due to some other reason। तो उस केस में आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको सोल्यूशन दिखाई देगा, ठीक है? चार ऑप्शन में अलग अलग सोल्यूशन होगा, जो है मोस्ट प्रिफर्ड सोल्यूशन होगा उसी को आपको चूज करना होता है, मोस्ट प्रिफर्ड सोल्यूशन, ठीक है? तो दैट इज द थिंग। आपको जो देखो एक और चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको समटाइम्स देखो मोर देन वन ऑप्शन तो आपको करेक्ट लगेंगे, ये तो डेफिनेटली लगता है आप सबको, लेकिन समटाइम्स चारों के चारों ऑप्शन आपको सही लगेगा, ठीक है? मतलब चार ऑप्शन दिया है आपको, चारों के चारों ऑप्शन सही लगेगा तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट प्रिफर्ड वन। आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड या फिर सबसे जो है इमीडिएट सोल्यूशन जो होगा उसी को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न, देन यू विल मेक देम इंटरेस्टेड। कैसे बनाओगे? मतलब आप कुछ मतलब छोटे बच्चे हैं तो कुछ कहानी सुना के पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो, कुछ फील्ड एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है? मतलब कुछ मतलब उनको ऐसा कुछ करो जिससे उनका इंटरेस्ट जनरेट हो। अगर उनका इंटरेस्ट जनरेट होता है तो डेफिनेटली दे विल स्टार्ट लर्निंग अगेन, ठीक है? तो इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, एक कीवर्ड है, इसको नोट डाउन करके रखना, ठीक है? तो एप्टीट्यूड हो गया। अब देखो एप्टीट्यूड आपने समझ लिया, अब टीचिंग को समझ लो, ठीक है? व्हाट इज टीचिंग? इन सिंपल टर्म टीचिंग बेसिकली मींस इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन एन इंटरैक्टिव वे वेयर बोथ ऑफ देम पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। प्रेजेंट डे में जो टीचिंग का डेफिनेशन है इट वॉज डिफरेंट इन द अर्लियर और ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स में टीचर्स वेयर द नॉलेज गिवर एंड स्टूडेंट्स वेयर मेयरली or the passive receiver of knowledge, they were just receiving the knowledge, they were just cramming up or rote memorization process was what promoted more in the traditional teaching method. But in the modern teaching method, knowledge creation process through active participation is more promoted. मतलब अभी students को मतलब teacher student class में actively participate करते हैं, टीचर सिर्फ नहीं बोलते, टीचर स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस, फिर टीचर उनको इवैल्यूएट करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे, तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन एक्टिव पार्टिसिपेशन, सेकंड जो कीवर्ड है वो लिखो की टर्म है
एक्टिव पार्टिसिपेशन लिखो, राइट, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ओके, एंड इसको समझो, व्हाट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन, active participation means the students the teacher and students are interacted in an active manner, means what, means students are not passively listening, they are also questioning the teacher, okay, and they are also answering the questions of the teacher, theek hai, they create the knowledge, matlab unke andar ko doubt hoga to wo pooch sakte hain, they can themselves create the knowledge, active knowledge construction process, theek hai, active knowledge construction process. So both here you understood the active participation, here both the students and teacher can have their own objective and target, okay, yes, both are active in active participation process, both are active, okay. So this is the thing, teaching aap samjhe, teaching kaise hona chahiye, teaching should be in a active participation, teaching should be what, in a active manner, active participation should be promoted, okay. एक मिनट ना, ओके, सो यू अंडरस्टूड एप्टीट्यूड एंड टीचिंग. अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड को समझते हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड इज टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड टीचिंग. देखो जैसे एक बच्चे के अंदर किसी भी पर्टिकुलर जो जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है या फिर जिसको जिसको आगे मतलब उसको प्रिफर करने के लिए बोला जा रहा है, अगर उसके अंदर इंटरेस्टेड इंटरेस्ट है तो फिर वो उसमें सक्सेस होगा. इसी तरह से एक टीचर के अंदर अगर इंटरेस्ट है तभी वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा, ठीक है. टीचिंग एप्टीट्यूड इज टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड टीचिंग. मतलब जो इंसान जो टीचर पढ़ाना मतलब जो टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं अगर उस पर्टिकुलर टीचर का इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट अगर नहीं है तो फिर उनका टीचिंग एप्टीट्यूड भी क्या होगा, लो होगा, ठीक है. द मोर यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग द मोर टीचिंग एप्टीट्यूड यू विल हैव, ठीक है. जितना ज़्यादा आप मतलब पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ऑटोमेटिकली उतना ज़्यादा जो है क्या होगा, उतना ज़्यादा हाई होगा या फिर इम्प्रूव होगा, ठीक है. To be a good teacher, one must have combination of behavioral characteristics as well as cultural characteristics. देखो जब आप पढ़ा रहे हो, देखो एक चीज़ है कि questions आता है RIC के एग्जाम में कि main objective of teaching क्या है, ठीक है, main objective of teaching और learning क्या है. So that is what? कि behavioral modification of the students as per the need of the society, ठीक है. तो यहाँ से एक और keyword आता है, society centered education system, ठीक है, कि फिर phrase लिखो, ठीक है, की टर्म लिखो, सोसाइटी सेंटर्ड, ठीक है. प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम इज सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम. अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज व्हाट, दैट इज सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है. मतलब हम जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को दैट इज बेस्ड ऑन द नीड और डिजायर ऑफ द सोसाइटी. अगर आपके सोसाइटी में आप ज्यादा डॉक्टर्स चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि आप जो है डॉक्टर बन जाएं, या फिर उस पर्टिकुलर जिसका डिमांड ज़्यादा है, जिसका नीड ज़्यादा है एक सोसाइटी में, उसमें बच्चों को ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाएगा कि आप ये वाला फील्ड चूज करो, या फिर पूरा करिकुलम ही उस बेसिस पे होता है. तो प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम इज सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम. वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो शुड बी क्लियर बिकॉज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है. वीडियो किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, मतलब क्लियर नहीं है क्या? इट शुड बी क्लियर, ओके. देखो जिनका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आप थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर दो, आप जो अगर बैकग्राउंड में कोई और ऐप्स चल रहे हैं उनको बंद कर दीजिए और फिर आप इस सिर्फ गूगल मीट को ही देखिए, आपका थोड़ा नेट फास्ट चलेगा, ठीक है. देखो जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, आप रिकॉर्डेड वीडियो जो है भी देख सकते हो, ग्रुप में मिल जाएगा क्लास के बाद, ठीक है. सो लेकिन आप कोशिश करो कि अगर आपका जो है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आपके तरफ से, देखो मेरे तरफ से नहीं होगा, कल मैंने गलती से फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया था, देखो इसीलिए, तो हमारे तरफ से मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर आपके तरफ से प्रॉब्लम होता है तो आप जो नेटवर्क में जो मतलब जो नेटवर्क फास्टर है आपके एरिया में वो वाला नेटवर्क यूज करना, और उसके साथ साथ आप रिकॉर्डेड वीडियो की भी एक बार देख लेना, ठीक है. सो दैट इज द थिंग. सो सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो
the present education system is student centered education system. जब मैंने आपको interest word बोला, इसी के साथ ही मतलब आपको ये समझना है कि अगर student interested नहीं है, तो teacher उनको पढ़ा नहीं सकते। या फिर जिस तरह से जो है student का interest है, या फिर जिस तरह से पढ़ाने से student interested होके पढ़ेंगे, या फिर easily समझ पाएंगे, easily learn कर पाएंगे, हमको उसी way में बच्चों को पढ़ाना है, जो उनको ज़्यादा help करे। इसका मतलब the present education system is student centered education system, ठीक है। दो मैंने चीज बोला, एक बोला मैंने student centered education system, एक बोला मैंने society centered education system। these two जो term है ये important है, इसके ऊपर भी question आता है। मैं इस सेशन के बाद आपको मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, इंटरेस्ट, आपने लिखा एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपने लिखा सोसाइटी सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, चार अभी की टर्म आपको मिल गए। देखो, टू बी ए गुड टीचर वन मस्ट हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आप क्योंकि आप बच्चों के अंदर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, so you should also have proper behavior, ठीक है। देखो, अगर society centered और student centered दोनों option दिया हुआ है, तो वहाँ पे both A and B ऐसे भी दिया होगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा option, देखो ऐसे तो मतलब मैं पूरा clearly आपको बताऊँगा कि ऐसा कोई भी ऐसा chance नहीं कि आपको मतलब ऐसा देगा कि स्टूडेंट सेंटर्ड सोसाइटी सेंटर्ड अगर दिया है तो बोथ ए एंड बी नहीं दिया होगा, ठीक है, डेफिनेटली दिया होगा। या फिर अगर स्टूडेंट सेंटर सोसाइटी सेंटर है और तीसरा कोई मतलब ऐसे रिलेटेड चीज है जिसमें आपको जो एक्टिव पार्टिसिपेशन वाला या फिर जो हम डिस्कस करेंगे इस मतलब क्लासेस में और जो मतलब स्टूडेंट्स को फेवर कर रहा होगा, अगर वो है तो ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें स्टूडेंट सेंटर और सोसाइटी सेंटर में से एक को चूज करना होगा, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाओ। लेकिन अगर मान लो ऐसा आता है क्वेश्चंस, सो उस केस में आप स्टूडेंट सेंटर को टिक करना, ठीक है। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में अगर ज्यादा वेटेज किसको मिलता है तो स्टूडेंट्स को मिलता है। अगर ऐसा नहीं आएगा मैं डेफिनेटली मतलब क्लियरली बताऊंगा, लेकिन इफ द क्वेश्चंस कम्स लाइक दैट कि यू हैव टू चूज एनीवन बिटवीन सोसाइटी सेंटर एंड स्टूडेंट सेंटर, देन स्टूडेंट सेंटर विल प्रेफर, बिकॉज हम लोग स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल डिफरेंट जो मतलब उनका जो डोमेन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर एक बच्चा आप जो आप पढ़ा रहे हो वो समझ नहीं सकता या फिर उसका आईक्यू बहुत लो है, तो आपको आपको उसके लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जो नीड है जो चीज़ पढ़ाने से बच्चों का डेवलपमेंट होगा उस चीज़ को हमको पढ़ाना है, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट सेंटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोसाइटी सेंटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोनों अगर एक साथ आता है तो स्टूडेंट को चूज करना, ठीक है, नहीं तो दोनों जो है आंसर होगा, ठीक है। तो देखो, क्योंकि आप बच्चों के अंदर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन चाहते हो, प्रॉपर बिहेवियर चाहते हो और बिहेवियर एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी चाहते हो, तो इसीलिए आपको भी प्रॉपरली बिहेव करना पड़ेगा। आपको स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट स्टाफ्स के साथ, सोसाइटी के डिफरेंट मेंबर्स के साथ आपको प्रॉपरली बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सही होना चाहिए। आप अगर मान लो वेल कल्चर्ड नहीं हो तो फिर आपको स्टूडेंट्स भी उसी वे में फॉलो करेंगे, क्योंकि जो है एक टीचर को ना बच्चे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है, कि हमने हमारे टीचर ने ये बोला वो बोला, वो घर पे जाके उसको बोलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो सिर्फ एक बच्चा नहीं सुधरता, अगर आप कोई स्कूल में पढ़ा रहे हो ना, अगर आप एक टीचर हो तो आप सिर्फ एक स्टूडेंट को चेंज नहीं कर रहे हो, आप पूरा एक जनरेशन को चेंज कर रहे हो। यस, रोल मॉडल कहा जाता है। तो एक एक डायलॉग, एक मतलब एक लाइन है, ठीक है, मैंने सुना है, आप सुपर 30 मूवी देखे होंगे, सुपर 30 आनंद कुमार जी का जो मतलब कोचिंग है सुपर 30, उसमें एक उस मूवी में एक स्टार्टिंग में एक एक डायलॉग है, वो बोल रहा होता है कहीं पे, शायद फॉरेन में कहीं पे, जो बोल रहा था सुपर 30 के बारे में, नरेट कर रहा होता है, तो वहाँ पे वो बोलता है कि जब एक बच्चा पढ़ लेता है ना, तो सिर्फ वो उसका मतलब जो है फ्यूचर नहीं सुधरता, उसके जो है क्या बोलता है उसको, उसका जो है फैमिली का, उसका नेक्स्ट जनरेशन का, उसका अगले जनरेशन का सुधर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो कैसे एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप एक अच्छा मतलब जो है अगर आप एक अच्छा मतलब सिटीजन बनते हो, एक एजुकेटेड सिटीजन बनते हो, तो अगर आप एक एजुकेटेड सिटीजन बनते हो तो
आप सिर्फ आप नहीं ग्रो करोगे, आपके फैमिली के मेंबर्स भी ग्रो कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो एक एक जो है गांव का किसान वाला फैमिली है जिसमें कोई भी जॉब होल्डर नहीं है, कोई भी एजुकेटेड नहीं है, और एक सेम गांव में किसान वाला फैमिली है लेकिन एक एजुकेटेड इंसान है जो कि कोई जॉब करता है या फिर एजुकेटेड है। तो जो अनएजुकेटेड है और जो एजुकेटेड, उनके अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो जो अनएजुकेटेड है वो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे जो उनको दिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसमें कुछ चेंज वो नहीं लाएंगे, ठीक है। वो वही चीज़ को फॉलो करेंगे जो वो देखते आ रहे हैं। लेकिन एक एजुकेटेड इंसान जो सही है उनके लिए, ठीक है, उनके फैमिली मेम्बर के लिए, सोसाइटी के लिए, वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो अगर वो फॉलो करेंगे तो उसके नेक्स्ट जनरेशन भी फॉलो करेंगे। अगर देखो जॉब करके मान लो उनका घर सही होता है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। ये सुन लो, तो एक जब किसी को एजुकेशन मिलता है तो फिर उसका पूरा नेक्स्ट, उसका जनरेशन ही बदल जाते हैं, उनका सबका डेवलपमेंट, सबका भला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा सेंटेंस था उसमें, तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको, आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप पूरे जनरेशन, पूरा सोसाइटी को ही पढ़ा रहे हो। क्योंकि देखो आप किसी बच्चे को पढ़ाओगे अच्छे से, फॉर एग्जांपल आप COVID-19 के बारे में कुछ रूल्स या फिर कुछ जो गाइडलाइंस फॉलो करना है बच्चों को समझा रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो कि अपने घर में सबको बोलना कि सब लोग जो है हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें, मास्क लगा के घर से बाहर जाएं, ठीक है। तो एक वो बच्चा घर में बोलेगा कि सर ने ऐसा बोला है या मैम ने ऐसे बोला है तो सब लोग ऐसे करेंगे, तो फिर वो खुश होके फैमिली मेम्बर्स उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह से वो चीज़ एक स्टूडेंट से एक फैमिली के पास गया, फिर एक फैमिली से उसके आसपास के लोग बोलेंगे। जब आप कोई 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 चीज़ जो है, जब कोई नया करता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं या फिर गाली देते हैं, अगर कोई अच्छा काम करता है उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो एक अच्छा चीज़ है तो उसको फिर दूसरे, उसके आस पड़ोस के जो नाइबरहुड्स, वो भी दे विल ऑल्सो फॉलो दिस थिंग। ये सुन लो, सो पूरा सोसाइटी सुधर जाता है। इसीलिए आप द टीचर चेंजेस द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर चेंजेस द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ हिज और हर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के थ्रू वो सोसाइटी को चेंज कर रहा है। इसीलिए टीचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेशन मेकर ऑफ द सोसाइटी, नेशन मेकर भी बोला जाता है। एक टीचर को नेशन मेकर भी बोला जाता है, ठीक है। देश बनाता है एक टीचर, कैसे देश बनाएगा, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और वो स्टूडेंट वो चीज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। यस, नेशन बिल्डर बोला जाता है, नेशन बिल्डर बोला जाता है, टीचर्स आर कंसिडर्ड नेशन बिल्डर। तो जब कोई स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट फिर क्या करेगा, वो घर जाके अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलेगा तो सोसाइटी पूरा डेवलप होगा, ठीक है, सोसाइटी का थिंकिंग डेवलप होगा। जब भी कोई नया चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है, एडॉप्ट करना, तो टीचर सबसे पहले करेंगे, फिर वो स्टूडेंट्स को समझाएंगे, स्टूडेंट्स अपने फैमिली मेम्बर को समझाएंगे। इसी तरह से पूरा सोसाइटी जो है वो नया चीज़ को या फिर जो मतलब अच्छा है उसको एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई सोसाइटी मतलब डेवलप होता है, दैट्स व्हाई टीचर को नेशन बिल्डर भी बोला जाता है। एंड इससे देखो आपको दो चीज़ सीखने के लिए मिल रहा है कि जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, क्लियर। सो द पर्सन विथ रियल टीचिंग एप्टीट्यूड मस्ट बी क्यूरियस। देखो सिर्फ कोई टीचर के लिए क्यूरियस नहीं होना चाहिए, आप किसी भी काम में अगर आपको एप्टीट्यूड स्ट्रांग करना है तो उसमें आपको क्यूरियस होना चाहिए, उस काम को जानने के लिए क्यूरियोसिटी आपके अंदर होना चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है मतलब क्या मतलब रेडी होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर आपको स्ट्रांग करना है तो आपका जो है आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, आप ओपन माइंडेड होना चाहिए, ऑब्वियसली आपके अंदर आपके सब्जेक्ट का इनडेप्थ नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ सिर्फ इनडेप्थ नॉलेज से नहीं होगा, आपका कम्युनिकेशन जो है टेक्निक जो है प्रॉपर होना चाहिए, आप प्रॉपर टीचिंग मेथड जो है आप एडॉप्ट कर पाना चाहिए, यूज कर पाना चाहिए, प्रॉपर टीचिंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए, और उसके साथ साथ लव एंड फेथ फॉर द स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ बोला ये सब इम्पोर्टेंट है, आप एक चीज़ लिख लो कि टू बी एन इफेक्टिव टीचर, ये क्वेश्चन आता है इफेक्टिव टीचर, एक लिख लो की टर्म जो है वो क्या है, इफेक्टिव टीचर, ठीक है, ये आप हेडिंग दे दो इफेक्टिव टीचर, ठीक है, ये हेडिंग देके लिखो कि इफेक्टिव टीचर होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो फर्स्ट लिखो क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्यूरियोसिटी फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ओपन माइंडेडनेस, ठीक है, थर्ड पॉइंट इन डेप्थ नॉलेज इन द सब्जेक्ट,
फोर्थ पॉइंट प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल, फिफ्थ पॉइंट ये आगे भी आएगा, मैं दिखाऊंगा मटेरियल में, मटेरियल के अंदर ही ये सब है, ठीक है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल, फिफ्थ पॉइंट प्रॉपर टीचिंग स्किल, सिक्स्थ पॉइंट प्रॉपर टीचिंग मेथड, ठीक है, और लास्ट में लिखो इन लव एंड फेथ फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। और कुछ और पॉइंट्स छोड़ दो, मैं जब आगे आएगा मैं बताऊंगा, इतने इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस भी, ठीक है, आई विल शो यू द क्वेश्चंस आल्सो। तो एप्टीट्यूड को हमने समझा, टीचिंग को भी तो हमने देखा था, लेकिन और डिटेल में थोड़ा समझते हैं, व्हाट इज टीचिंग, ठीक है। आपको जो है इफेक्टिव टीचर बनने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडेडनेस, इनडेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉपर टीचिंग स्किल्स, प्रॉपर टीचिंग मेथड, उसके साथ साथ लव एंड फेथ फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पॉइंट है, और भी दो चार पॉइंट आ सकता है जो आगे आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखो टीचिंग, टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ एवरी सोसाइटी, क्योंकि कोई भी सोसाइटी को चेंज करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई रोल प्ले करता है तो वो टीचर है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, सब एक दिन एक स्टूडेंट थे, उनको किसी टीचर ने पढ़ाया, उनको उनके थ्रू आउट द लाइफ टीचर्स ने ही पढ़ाया है, ग्रो करवाया, फिर जाके वो उस पोजिशन में पहुँचे हैं। तो जितने भी सोसाइटी के मेम्बर हैं सब लोगों का एक टीचर होते हैं, ठीक है। उनके जो अगर वो टीचर उनको खराब वे में पढ़ाते, अगर टीचर्स उनको प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं लेके जाते तो आज सोसाइटी डेवलप नहीं होता, या फिर आज वो इन्वेंशन नहीं कर पाते, ठीक है, जो भी इन्वेंशन हुआ है। सो दैट्स व्हाई टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ एवरी सोसाइटी एंड दे प्लेज ए वाइटल रोल इन नर्चरिंग द माइंड ऑफ द यंग चाइल्ड। यंग चाइल्ड के माइंड को नर्चर करते हैं टीचर, जो प्रोडक्टिव थिंग्स है, जो 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 चीज़ उनके अंदर क्रिएटिविटी लाएगा, क्यूरियोसिटी लाएगा, वो चीज़ को बच्चों के अंदर वो क्या करना का कोशिश करते हैं, इनकलकेट करवाने का कोशिश करते हैं, सो नर्चर करते हैं बच्चों को, ठीक है। द बेस्ट टीचर और इफेक्टिव टीचर ऑलवेज गिव्स नॉलेज एंड स्किल इन वेरी इफेक्टिव वे टू यंग स्टूडेंट्स। एक इफेक्टिव वे में, एक इफेक्टिव टीचर एक इफेक्टिव वे में जो है नॉलेज एंड स्किल्स बच्चों के पास ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। टीचिंग के बारे में मैंने आपको बताया क्या है बेसिक, इसका मतलब है कि इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन एन इंटरेक्टिव वे वेयर बोथ ऑफ देम पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट क्या है कि वो जो है लर्निंग कर पाए, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाए, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। और टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो है जो कोर करिकुलम उनको, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया गया है उसको वो प्रॉपरली निभा पाए, तो दोनों का बेनिफिट होता है यहाँ पे। बोथ द स्टूडेंट्स एंड टीचर कैन हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, एक्चुअली सेम ऑब्जेक्टिव है, वही अलग अलग है, तो वो दोनों का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाता है टीचिंग के थ्रू। थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर आर मेनी ग्रेट टीचर, बहुत मतलब टीचर है, बहुत सारे जो फिलोसोफर है, एजुकेशनल फिलोसोफिस्ट हैं, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, सब लोगों ने टीचिंग को अलग अलग वे में डिफाइन किया है। कुछ डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्रोविज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। टीचिंग का मतलब जितने भी एक्टिविटी हैं जिससे आप बच्चों को एजुकेट करना चाहते हो वो सब हो जाते हैं आपका क्या है टीचिंग के अंदर, वो सारे एक्टिविटी आ जाते हैं। फिर द पर्सन हु प्रोवाइड्स एजुकेशन इज कॉल्ड अ टीचर। जो इंसान बच्चों को एजुकेट करते हैं उनको टीचर कहा जाता है, ठीक है। द टीचर यूजेस डिफरेंट मेथड फॉर गिविंग बेस्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स। टीचर क्या करते हैं, अलग अलग मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या मेथड होता है, डिस्कशन मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सारे मेथड्स को यूज करके बच्चों को बस अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं। ही ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, बच्चों को समझाने का कोशिश करते हैं। हिज ड्यूटी इज टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू लर्न द सब्जेक्ट, एनकरेज करते हैं बच्चों को, ठीक है, उनके अंदर इंटरेस्ट को जनरेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन, ये हमने देखा। दे पार्टिसिपेट इन म्यूचुअल, ये देखा हमने, बहुत है, ये भी हमने देखा। मेनी ग्रेट टीचर, हाँ, तो ये पॉइंट्स हमने देखा क्या क्या कि टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज, जितने भी ना क्लासेस में एक क्लासरूम के अंदर जितने भी एक्टिविटी होते हैं कोई चीज़ को लर्न करने के लिए वो सब टीचिंग कहलाते हैं, ठीक है। जो कराते हैं वो टीचर हैं, जो 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 रिसीव करते हैं वो स्टूडेंट हैं, ठीक है।
अब देखो अगर हम लोग टीचिंग, देखो टीचिंग और एप्टीट्यूड दोनों को समझ लिया, अगर हम लोग अभी टीचिंग एप्टीट्यूड को शॉर्ट में डिफाइन करेंगे, सो टीचिंग एप्टीट्यूड इज द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू पीपल्स नीड्स एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स एंड मेकिंग स्पेसिफिक इंटरवेंशन टू हेल्प देम लर्न पर्टिकुलर थिंग। मतलब कि ये जो है प्रोसेस है, ठीक है, टीचिंग जो है एक प्रोसेस है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से आप क्या अटेंड कर रहे हो, आप बच्चों के नीड को अटेंड कर रहे हो, देख रहे हो उनका नीड के अकॉर्डिंग उनको हेल्प कर रहे हो, आप एक्सपीरियंसेस का यूज कर रहे हो, फीलिंग्स का यूज कर रहे हो और उनको मतलब जो प्रॉपर उनके लिए वो उनको प्रोवाइड कर रहे हो। आप जब भी जो भी स्पेसिफिक इंटरवेंशन चाहिए आप हेल्प कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्टूडेंट को कोई भी प्रकार का जो है एनी काइंड ऑफ जो है प्रॉब्लम है, तो आप उसको बोलोगे कि वो प्रॉब्लम को शेयर करे और आप उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करोगे। अगर कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो आपको दोबारा से समझाओगे। अगर कोई ब्लाइंड है तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर कोई डीप है तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है उस केस में आप क्या करोगे, अगर कोई बच्चा गिफ्टेड लर्नर फास्ट लर्नर है उस केस में आप क्या करोगे। जो भी आप करोगे इन डिफरेंट केसेस all are different interventions and all the specific interventions are included under this particular part. इसी process में teaching aptitude वाले process में सब सब कुछ आते हैं, ठीक है। All the interventions are given to help them learn particular things. So teaching aptitude is the process of attending the people's need, experience. People मतलब ये students हैं, ठीक है, students. Students need experience and feelings and making specific intervention to help them learn a particular way. ठीक है, उनका experience को हम लोग बढ़ाते हैं, उनको जो है प्रॉपरली बिहेव करने का या फिर जो सोसाइटी के अनुसार रिक्वायर्ड और जो डिजायर्ड चेंजेस है वो आप लाते हो। इंटरवेंशन कॉमनली टेक्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग, जब जरूरत पड़े उनको क्वेश्चन पूछोगे, जब जरूरत पड़े उनका क्वेश्चन सुनोगे, आंसर करोगे, इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उनको इन्फॉर्मेशन दोगे, यू विल एक्सप्लेन सम फिनोमेना, यू विल डेमोंस्ट्रेट अ स्किल और प्रोसेस, यू विल टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेसिटी एज वेल एज यू विल फैसिलिटेट द लर्निंग एक्टिविटी। सो नेक्स्ट कीवर्ड इज टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट कीवर्ड लिखो फैसिलिटेटर। टीचर जो है एक फैसिलिटेटर होता है। मतलब पहले क्या होता था ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में, टीचर को लीडर बोला जाता था जो क्लास को लीड करेगा, लेकिन ऑटोक्रेटिक लीडर थे, वो अपने अनुसार जो मतलब उनको जो सही लगता है वो वही पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स का नहीं सुनेंगे। लेकिन द प्रेजेंट डे टीचर इज डेमोक्रेटिक लीडर, ठीक है। तो लिख लो एक और पॉइंट, डेमोक्रेटिक लीडर भी लिख लो। और आपने जो आपने लिखा फैसिलिटेटर, इसका मतलब क्या है कि इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम टीचर नॉट कम्प्लीटली टीच द थिंग्स, ओके, दे डू नॉट कम्प्लीटली टीच द थिंग्स, ठीक है। टीचर क्या करते हैं, टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न देमसेल्फ, टू क्रिएट देमसेल्फ, टू एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज जो है उसको प्रमोट करते हैं। तो वो उनको हेल्प करते हैं लर्निंग को मतलब इजी बनाने के लिए और अच्छे से समझने के लिए, कोई चीज़ को लर्न करने के लिए। अभी टीचर बस उनको हेल्प करते हैं, पूरा चीज़ नहीं पढ़ाते, ठीक है। मतलब पढ़ाना तो ऑब्वियसली पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ को समझना है, कुछ एक्स्ट्रा उनके अंदर जो है नॉलेज क्रिएट करना है, तो उसमें टीचर क्या करते हैं, उसमें टीचर उनको फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। तो टीचर का रोल होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अप टू अ सर्टेन लिमिट, गाइड, फिलोसोफर, फैसिलिटेटर, ये सब रोल है जो आगे हम लोग देखेंगे। फैसिलिटेटर लेकिन इम्पोर्टेंट है, फैसिलिटेटर इज द इम्पोर्टेंट की टर्म, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बाकी सब में मैं बोल सकता था, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा फैसिलिटेटर टर्म के ऊपर आता है। तो इसको लिखो, फिर आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो ये सब इंटरवेंशन है, हाँ, फैसिलिटेटिंग लर्निंग एक्टिविटीज सच एज नोट टेकिंग, कोई बच्चा नोट लेना चाहता है तो नोट करने के लिए हेल्प करोगे, डिस्कशन करोगे, असाइनमेंट्स दोगे, सिमुलेशंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। को आप ये सब जो डिफरेंट बेंचेज, बहुत सारे और भी थिंग्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज आर देयर जो कि आप बच्चों को जो है हेल्प करोगे उस लर्निंग एक्टिविटीज में। तो अगर हम डिफाइन करेंगे वन पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो बिंगहाम ने बोला था, एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिंगहाम ने बोला था कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए स्पेसिफिक एबिलिटी, पोटेंशियलिटी, इंटरेस्ट। ये सब जो है देखो कीवर्ड है, पोटेंशियलिटी एक कीवर्ड है, लिख लो, पोटेंशियल इज ए कीवर्ड। यस बोलो सर, मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ टीचर क्या होगी? देखो मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी जो होगा कि आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये सब जो है ये सब डिफरेंट क्वालिटीज है कि आप बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है।
ठीक है, बच्चों के नीट के अकॉर्डिंग, बच्चों को नीट समझना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब, यहाँ पे है तो थोड़ा वेट करो, सारा क्वालिटीज है यहाँ पे, तो ऑल क्वालिटीज विल बी टोल्ड यू। ऐसे देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है कि ऐसे आप आंसर नहीं कर सकते, आप जब चार ऑप्शंस देखोगे तो चारों में से चारों के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिया होगा, ये ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर, तो इनमें से कौन सा आप चूज करोगे? चारों तो सही है, मोस्ट एसेंशियल बोला है, तो इन चारों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसी को चूज करोगे। तो इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको जो है चूज करना पड़ता है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नीड टू चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द मोस्ट प्रिफर्ड वन। तो मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चंस जैसे जिस तरह से आते जाएंगे, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है कि एक स्पेसिफिक एबिलिटी, पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर बच्चों के अंदर पोटेंशियल को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उनका इंटरेस्ट मतलब जगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकलिटी, पोटेंशियलिटी, इंटरेस्ट, सेटिस्फेक्शन, फिटनेस इन टीचिंग प्रोफेशन, तो ये चीज़ है। तो आपके अंदर स्पेसिफिकलिटी, पोटेंशियलिटी, इंटरेस्ट, सेटिस्फेक्शन, फिटनेस ज़्यादा है तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका ज़्यादा है, कम है तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी कम है, ठीक है। अगर आप फिट नहीं हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका सही नहीं होगा। टीचिंग प्रोफेशन में अगर आप फिट नहीं हो तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड लो होगा, ठीक है। आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लो होगा। इंटरेस्टेड नहीं हो, लो होगा। पोटेंशियल आपके अंदर नहीं है अच्छे से बोलने के लिए तो लो होगा, ठीक है। आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड लो होगा। तो अगर ये सब सही है तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी हाई होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स एन इंटरेस्ट इन टीचिंग वर्क, ओरिएंटेशन, इंप्लीमेंटिंग टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। तो डिफरेंट टीचिंग वर्क्स को उसको प्रॉपरली ओरिएंट करना है, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, पहले सोचना है, फ्रेमवर्क बनाना है, लेसन प्लानिंग हम जैसे कहते हैं, फिर हम क्या करेंगे उसको इंप्लीमेंट करेंगे डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को, तो अच्छे से वहाँ पे चीज जो है वो होगा और रिजल्ट आपका सही से होगा। जब तक आप प्लानिंग प्रॉपरली नहीं करते, जब तक आप एक प्रॉपर वे में प्लानिंग ही नहीं करोगे तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे और वो सक्सेस भी नहीं होगा, ठीक है। सो अंदर द गैमूट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत बड़ा चीज़ है, तो उसके अंदर टीचिंग स्किल भी एक मेजर प्लेस रखता है। टीचिंग स्किल जिसके बारे में मैंने बोला था कि एक टीचर, अगर आपको एक इफेक्टिव टीचर बनना है तो आपके अंदर जो है प्रॉपर टीचिंग स्किल्स होना चाहिए। टीचिंग स्किल्स मतलब कि स्किल ऑफ टीचिंग, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला ये हम पढ़ेंगे, ये सिलेबस के अंदर ही है, स्टडी मटेरियल के अंदर ही है, बस सुन लो अभी, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये हम कौन से टॉपिक में है, तो ये हमारा ये वाला टॉपिक में है, ठीक है। टीचिंग स्किल्स कौन से टॉपिक में है, तो इसमें है, इंटरपर्सनल स्किल में। ये इंट्रापर्सनल स्किल्स के अंदर आता है टीचिंग, ये जो स्किल इंट्रापर्सनल स्किल के अंदर टीचिंग स्किल आता है, तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बस सुन लो थोड़ा कि स्किल्स क्या क्या होता है। स्किल्स मतलब आपका कि आप जो है कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप कोई लेसन को पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले आप लेसन को एक प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जो है जनरेट करने का कोशिश करोगे। क्योंकि अगर बच्चों के अंदर आपने इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर पाए, क्यूरियोसिटी नहीं जनरेट कर पाए, तो फिर लेसन जो है बोरिंग होगा और सक्सेस उतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट कर पाते हो लेसन के लिए, तो आपका जो है लेसन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब देखो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। देखो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वी विल डू सम क्वेश्चन। देखो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस कर पाओगे। देखो क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं, हर साल तो नहीं होता आसान, लेकिन जो है क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं एक बार देखो। ये वाला क्वेश्चन सेट देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, करने का कोशिश करते हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। देखो If the teacher is not able to answer the question raised by the students, ये हमारे जो आज पढ़े हैं हम लोग उसमें से तो नहीं है, लेकिन ये जेन्युइन है, जनरल चीज है, आप आराम से कर सकते हो। सब लोग इसका आंसर करो, ऑप्शन पढ़ो, आंसर करो। If the teacher is not able to answer the question raised by the student, he should avoid responding. He should give an interim answer to avoid embarrassment. Admit in the class that he will try to find the solution and give the answer in the next class. Pose the question to the class and ask them to come prepared. Okay. Option 3, sir. Option 3. Sir, option 3. Okay, sab log batao. Sir, 3. Yeah. Option 3. Option 3. Yes. So, aap kya karoge? Agar aapko nahi aata answer, to aap galat answer nahi doge. Respond to definitely karna hai. Nahi to phir friendly relationship, facilitation, knowledge, guide kaise ban paoge? Agar aap unka question ko respond nahi karoge. ठीक है, तो रेस्पॉन्ड तो करना ही है, सपोर्ट नहीं तो कैसे करोगे आप।
ही शुड गिव एन इंटरिम आंसर। देखो शर्मिंदगी से बचने के लिए आपको एक वैकल्पिक अंतरिम उत्तर नहीं देना है, आपको जो सही आंसर है यू नीड टू गिव दैट, ठीक है। आपको कोई इधर उधर से कोई भी मैनिपुलेट करके आंसर नहीं देना है। सो ये सबसे गलत चीज़ है, अगर आप गलत आंसर दोगे तो बच्चों का कंसेप्ट डेवलपमेंट ही गलत हो जाएगा। तो सही पढ़ाओ अगर ना, या फिर ना पढ़ाओ, लेकिन गलत नहीं पढ़ाना है। टीचर का मेन काम है आप सही पढ़ाओ, या फिर अगर नहीं आता तो मत पढ़ाओ, लेकिन गलत मत पढ़ाओ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब आप सीखते हो तब पढ़ाना, गलत चीज़ नहीं पढ़ाना है, ठीक है। सो एडमिट इन द क्लास दैट ही विल ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन एंड गिव इन द नेक्स्ट क्लास, ये आपको करना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो मैंने जो पढ़ाया था उसके ऊपर सारे क्वेश्चन आएंगे इसी पेपर में, सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ऐसे ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। देखो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी ईच, इसका आंसर दो आप लोग, इसका आंसर दो। फर्स्ट ऑप्शन मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल, मास्टरी ओवर द यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, मास्टरी ओवर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो आप, मैंने बोला था ना कुछ पॉइंट्स ऐड करने के लिए इफेक्टिव टीचिंग में, तो ये सब पॉइंट ऐड कर दो। टीचिंग स्किल तो मैंने बोला था, बाकी ये दो टीचिंग मेथड भी, टीचिंग टेक्निक का मतलब टीचिंग है मेथड है, लेकिन आप इसको अलग वे में लिख सकते हो। तो ये तीन पॉइंट ऐड कर दो इफेक्टिव टीचर के नीचे, आप ये तीन पॉइंट ऐड कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा मतलब और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स यू नीड टू ऐड, ओके। सो इफेक्टिव टीचर, ओके, टू बी एन इफेक्टिव टीचर व्हाट यू शुड हैव, तो ये तीन पॉइंट होगा। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ इसके रिलेटेड चीज ही बोला था, फिर से अलग से भी आप लिख सकते हो। मास्टरी ओवर टीचिंग स्किल, मास्टरी ओवर द यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक एंड मास्टरी ओवर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हमने आज का जो क्लास किया उसी के ऊपर ही क्वेश्चन है। द बेस्ट टीचर, और यहाँ पे इफेक्टिव टीचर भी क्वेश्चन में दे सकते हैं। इफेक्टिव टीचर कौन है, हु इज द इफेक्टिव टीचर और बेस्ट टीचर? ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हु प्रोवाइड स्टूडेंट्स, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो हु प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट, नहीं होगा बस सब्जेक्ट के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन देते हो तो नहीं होगा। हु इज फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स, सिर्फ फ्रेंडली रहने से भी नहीं होगा। देखो मैंने अभी बोला था कि फ्रेंडली तो रहना है बच्चों के साथ, अप टू ए सर्टेन लिमिट रहना है, ठीक है। मतलब नॉट पूरा ऐसे फ्रेंड हो जाओगे कि वो मतलब आपके कंधों पे हाथ रख देंगे, तो ऐसा नहीं। मतलब अप टू ए सर्टेन लिमिट आपको फ्रेंडली रहना है। फ्रेंडली कितना रहना है कि वो आप अपने प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर पाए, उतने लेवल तक फ्रेंडली रहना है। लेकिन सिर्फ फ्रेंडली रहने से तो बेस्ट टीचर नहीं बन पाओगे, ठीक है। बेस्ट टीचर वही होता है हु इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल। मैंने बोला था ना कि पोटेंशियल एक कीवर्ड है। देखो यहाँ से कीवर्ड से क्वेश्चन आए हैं डायरेक्टली, पोटेंशियल एक कीवर्ड है और एक कीवर्ड से ही क्वेश्चन आए हैं। सारे क्वेश्चन, सारे तो नहीं, मतलब मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि अगर कीवर्ड्स को आप अच्छे समझते हो तो 10 क्वेश्चन डेफिनेटली कर लोगे। थोड़ा आइडिया लगाते हो जो मैं आपको बताऊंगा जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, तो और 10 क्वेश्चन आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में कर लोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस को करोगे, प्रैक्टिस अपने से थोड़ा ज़्यादा करोगे तो 25 क्वेश्चन करेक्ट कर दोगे। बाकी जो 5 क्वेश्चन रहता है उसमें थोड़ा हमारा रोड मेमोराइजेशन चाहिए, मतलब हमको रटना पड़ेगा कि NEP 2020 ने क्या क्या बोला था, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, कितने GDP का, GDP में एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन कितना है, अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, 1968 में किसने प्लान दिया था, ये कमेटी क्या है, वो कमेटी, थोड़ा रटना पड़ेगा 5 मार्क, ठीक है। 25 मार्क्स क्लास के अंदर जितने चीज पढ़ा रहे हैं उतने चीज में आप डेफिनेटली कर पाओगे, बाकी 5 मार्क मैं जो पढ़ाऊंगा उसको आपको रटना पड़ेगा। 25 मार्क के लिए मैं आपके दिमाग में ही चीजों को भर दूंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे पूरा आप टेक्निक्स ट्रिक्स, लेकिन 5 मार्क के लिए आपको थोड़ा रटना पड़ेगा जो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल, देखो कीवर्ड से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखो, ए गुड टीचर कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी अमंग स्टूडेंट बाय, एक अच्छा टीचर बच्चों के अंदर क्रिएट जो है पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं? प्रोमोटिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन देम, इन्वॉल्विंग ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास वर्क और इंटरेक्शन, ऑप्शन 2, यस, वेरी गुड वेरी गुड। स्पेशली न्यू एस्पिरेंट, जो भी न्यूली ज्वाइंट एस्पिरेंट हो, सब लोग आंसर करो, ठीक है, यस, वेरी गुड वेरी गुड। सब जो न्यू एस्पिरेंट है वो भी सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। मैंने बोला था इंटरेक्शन एक्टिव पार्टिसिपेशन एक कीवर्ड है पढ़ाते टाइम, तो इससे देखो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में,
ठीक है, तो जो स्टडी मटेरियल में जो चीज दिया है ना, वन बाय वन हर एक वर्ड को आपको अच्छे समझना है। इंटरेक्शन कीवर्ड था इसलिए ये आंसर सही है, ठीक है, बाकी क्यों सही नहीं है। कंपटीशन को प्रमोट नहीं करना है, दो बच्चों के अंदर कंपटीशन को प्रमोट नहीं करना है आपको कि तू फास्ट होगा वो सेकंड हो जाएगा। ग्रुप लर्निंग को ज्यादा प्रमोट करना है कि आप मिलजुल के पढ़ो, ठीक है। डेलीगेटिंग वर्क अबव एवरेज, बस अबव एवरेज को डेलीगेट कर दिए और बिलो एवरेज को कर दिए, ऐसे भी नहीं होगा। सबको पढ़ाना है आपको, काम सबको देना है, ठीक है, तो सारे विद्यार्थी को कार्य को काम देना पड़ेगा, भले ही वो बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो, लो आईक्यू वाला हो, हाई आईक्यू वाला हो, स्लो लर्नर हो, गिफ्टेड लर्नर हो, किसी भी तरह का लर्नर हो, उसको आपको क्या करना होगा, पढ़ाना होगा, काम देना होगा, होमवर्क्स देने होंगे सबको। तो ये सब तो इसीलिए गलत हो गया, बचा कौन सा आपका ये, और इसमें कीवर्ड भी है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को चूज करना होता है। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला भी आज के क्लास के अकॉर्डिंग कीवर्ड से है, इसका भी आंसर करो, इसमें भी कीवर्ड है, ठीक है। देखो क्वेश्चन, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स ए टीचर शुड डू व्हाट, ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर। सब लोग बताओ, किसी को अगर कोई और ऑप्शन लग रहा है तो भी बोल सकते हो। ऑप्शन फोर देखो, शुड एनकरेज इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग एनकरेज करने से कुछ नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कराना है तो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग से नहीं चलेगा, उनका सब्जेक्ट कंटेंट भी उनके अंदर होना चाहिए। शुड एनकरेज पंक्चुअलिटी, खाली पंक्चुअल होने से नहीं चलेगा, उनका जो है सब्जेक्ट कंटेंट अच्छा होना चाहिए, स्पीकिंग भी अच्छा होना चाहिए। शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू ड्रेस वेल, सिर्फ ड्रेस वेल होने से नहीं होगा, और भी चीजें चाहिए। सबसे बेस्ट चीज क्या है, शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर यूनिक पोटेंशियल, उनके अंदर जो छिपा हुआ चीज है ना, यूनिक पोटेंशियल, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम बच्चों को एनकरेज करेंगे कि आप क्या चाहते हो, आप कौन सा चीज पढ़ना चाहते हो, आप किस में आगे अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हो, वो चीज, ठीक है। तो शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर यूनिक पोटेंशियल इज द करेक्ट आंसर। Which statement suit most for an effective teacher? सारे देखो क्वेश्चन, जितने हमने 10 भी कीवर्ड हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन कितने सारे क्वेश्चन जितने में आ रहे हैं, एक बार देख लो। ऑप्शन 4। देखो, गिव लॉट्स ऑफ असाइनमेंट टू स्टूडेंट्स। हाँ, लॉट्स ऑफ असाइनमेंट तो नहीं दोगे आप, ठीक है, आप इम्प्रेस द स्टूडेंट्स, फ्लुएंट इंग्लिश बोल के इम्प्रेस नहीं करने का कोई जरूरत नहीं है। देखो, बस उनको अच्छे से समझाना है, उनको एक इफेक्टिव जो है क्या बनाना है, इफेक्टिव सिटीजन बनाना है। कौन है इफेक्टिव? इफेक्टिव टीचर का मेन काम है कि आप जो है एक प्रॉपर जो है सिटीजन बनाओ, बच्चों का इफेक्टिव सिटीजन बनाओ, ठीक है, वो मेन ऑब्जेक्टिव है टीचर का। तो सिर्फ फ्लुएंट इंग्लिश कहने से नहीं होगा, रेगुलर क्लास सिर्फ लेने से नहीं होगा, रेगुलर क्लास टेस्ट, ठीक है, सिर्फ ये करने से नहीं होगा। मोस्ट बोला, देखो ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होगा, ये भी सही है, लेकिन मोस्ट कौन सा है वो आपको पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसी को चूज करना होता है। तो आंसर क्या होगा, रिलेट द स्टूडेंट्स, रिलेट द सब्जेक्ट विद रियल लाइफ सिचुएशन और एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, ठीक है, कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। देखो कि रियल लाइफ, ये भी एक क्या है, की टर्म है, लिख लो की टर्म, की रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। इफेक्टिव टीचर गिव्स रियल लाइफ सिचुएशंस और एग्जाम्पल टू स्टूडेंट्स, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल ये भी की वर्ड है, ठीक है, की टर्म है। तो देखो, अगर आप मान लो आपका पोस्टिंग कोई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह जनरल अवेयरनेस में नहीं है वो। क्लासिकल कंडीशनिंग एक्चुअली क्या है कि अगर आप एमएड कर रहे हो, एमएड 2 ईयर बीएड में तो नहीं आता है, और इंटीग्रेटेड बीएड में, एमएड के केस में वो सब क्वेश्चन आता है, लेकिन सीयूईटी में थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा आ सकता है क्वेश्चंस, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह हम लोग देखेंगे, वो जनरल अवेयरनेस नहीं है, वो क्या है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, ठीक है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आरआईसी के सिलेबस में थ्योरीज ऑफ लर्निंग ये सब नहीं है, लेकिन एमएड में वो चीज़ आता है 2 ईयर एमएड के लिए। फिर भी मैं आपको भी वो सब चीज़ बताऊँगा जो थ्योरीज है, लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो थोड़ा थोड़ा बता दूंगा ताकि आप आंसर कर सकोगे। बाकी वो चीज़ आप बीएड के में ही पढ़ोगे, मतलब जब आप बीएड करोगे ना, इंटीग्रेटेड हो या 2 ईयर बीएड हो, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, ठीक है, पावलोव एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में आपको पढ़ाया जाएगा। मैं बस आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जितने फैक्ट्स, जितने भी चीज़ चाहिए, मैं सिंपल करके बता दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो, अगर आपका एक ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग हुआ है,
तो वहां पे ट्रैवल एरिया में जाके आप ट्रेन के बारे में बोलोगे, आप प्लेन के बारे में बोलोगे, तो उनको नहीं पता होगा वो क्या है, वो जानते नहीं है। तो जो चीज से वो जानेंगे, एग्जाम्पल देते ना पढ़ाते टाइम, तो अगर देखो जैसे मैंने आपको सुपर 30 का एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं ये एग्जाम्पल अमेरिका में मतलब यूएसए में अगर मैं मान लो मैं टीचर हूँ या फिर कोई ऐसा जगह जिनके पास टीवी देखने का मतलब ये नहीं है, ऐसी जगह पे मेरा पोस्टिंग हो जाता है या फिर जिसको सुपर 30 मूवी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं उसका एग्जाम्पल नहीं दे सकता। तो जो भी मैं उनको एग्जाम्पल दूंगा उनके रियल लाइफ से वो रिलेटेड होना चाहिए या फिर वो उसको रिलेट कर पाना चाहिए, ठीक है, वो उस एग्जाम्पल को अपने लाइफ के साथ अपने सोसाइटी के साथ रिलेट कर पाना चाहिए, नहीं तो उस एग्जाम्पल का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ सिचुएशन और एग्जाम्पल देना चाहिए जो उनके सोसाइटी में है, जो उनके नॉलेज के अंदर है, ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं देना है जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। मैं आपको यूएसए का कोई थ्योरी नहीं बता सकता क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाओगे, जो आप समझोगे उसी के अकॉर्डिंग मुझे एग्जाम्पल देना होगा। तो एक टीचर का काम यही होता है, रेड द सब्जेक्ट विद द रियल लाइफ सिचुएशन और एग्जाम्पल ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, और द सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो ये भी एक कीवर्ड से आता है। देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको लगेगा डिफिकल्ट, आप सोचोगे कि प्रोग्रेसिव लर्निंग क्या है, ये तो एक ये तो सर ने हमें नहीं पढ़ा। हाँ देखो जो जो सिंपली अगर क्वेश्चन को देखेगा जिसको जो कीवर्ड्स वगैरह नहीं पता है वो सोचेगा प्रोग्रेसिव लर्निंग क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, हमने तो कभी नहीं सुना है, फिर वो सोचेगा ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है कि पैसिव एक्टिव ये सब हो सकता है। तो ऑब्वियसली इसमें तो आप देखोगे तो एक्टिव लर्निंग हो जाएगा, लेकिन कीवर्ड भी मैंने आपको बोला था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, मैंने एक चीज बोला था एक्टिव लर्निंग, तो एक्टिव लर्निंग से आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगा, ठीक है। कि बाकी तो पैसिव लर्निंग, स्टेरियोटाइप लर्निंग, ट्रेडिशनल लर्निंग सब तो आपको नेगेटिव चीज बता रहा है, सब क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव सिर्फ ये है, जो पॉजिटिव है वही प्रोग्रेसिव है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, पैसिव लर्निंग, स्टेरियोटाइप लर्निंग, ट्रेडिशनल लर्निंग सब नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कौन सा है, एक्टिव लर्निंग, सो पॉजिटिव से ही आपका प्रोग्रेशन होगा। सो दैट्स व्हाई दिस शुड बी द आंसर, एक कीवर्ड में था, ठीक है, एक्टिव लर्निंग। सिंपली देखो ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मान लो सीसीई का फुल फॉर्म क्या है, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है, कौन बता सकता है, किसी को आइडिया है तो बताओ। थर्ड ऑप्शन कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसका, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये सर। हां फिर देखो टीईटी के बारे में पूछा है, ये भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो पांच क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन आपको रटने का क्वेश्चन है, एक हो गया। फिर ये आईसीडीएस स्कीम, ये जो है क्या है, ये आपका फिफ्थ जनरल अवेयरनेस है, आईसीडीएस स्कीम क्यों कर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद टीईटी का फुल फॉर्म क्या है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन आपके किसमें आते हैं, तीन तो ये हो गया और मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला चार हो गया और एक और क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से डेफिनेटली आएंगे, हर एक सेक्शन से पांच पांच क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला पांच फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है, देखो पांच क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से हैं, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। ये पांच क्वेश्चन जब तक मैं आपको वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं बताऊंगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब थोड़ा रटना पड़ेगा, आइडिया होना चाहिए, बाकी सब कीवर्ड्स आ जाएंगे बाकी सारे क्वेश्चन। तो चलो बाकी सब क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला देखो, से फिर से इफेक्टिव टीचर के ऊपर फिर से क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन है देखो इफेक्टिव टीचर के ऊपर, इसका आंसर बताओ। एन इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर व्हाट, कंप्लीशन ऑफ लेसन, कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स एंड कंट्रोल, ऑप्शन सी, यस। मैंने बोला था कि क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी को जनरेट करवाना है, तो वो क्या है, वो क्रिटिकल थिंकिंग से ही होगा पॉसिबल, ठीक है। तो ये कीवर्ड है कि नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी से रिलेटेड है ना, तो जहाँ पे आपने क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी को कीवर्ड लिखा है वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग भी लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट में क्रिटिकल थिंकिंग लिख दो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग वो हमारा कीवर्ड से क्वेश्चन है डायरेक्टली, ठीक है, तो आराम से इसको आप कर सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्टली कीवर्ड से है, ठीक है,
द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी एसेस्ड बाय, बताओ इसका आंसर बताओ। ऑप्शन सर, ऑप्शन थ्री सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन थ्री, ठीक है ऑप्शन थ्री। कोई और बोल रहा है, मतलब वन टू या फोर में कोई बोल रहे हैं आंसर, आराम से बताओ जो भी आपका आंसर है। देखो बाकी सब तीन थ्री बोल रहे, तो इसका मतलब नहीं कि आप भी थ्री बोलोगे, ठीक है आप जो सही लगता है वो बोलो, क्योंकि अगर आप जो जब तक आप खुद का जो है मतलब थिंकिंग को हमें शेयर नहीं करोगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन होता तो फिर तो मैं देख लेता आपके चेहरा से ही जान जाता कि आप लोग क्या सोच रहे हो और क्या बता रहे हो, ठीक है। तो ऑनलाइन से तो मुझे नहीं दिखेगा, इसलिए जो आप चाह मतलब सोच रहे हो बता सकते हो। देखो क्वालिटी ऑफ टीचिंग पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे तो कीवर्ड इंटरेक्शन डायरेक्टली आ जा रहा है, कीवर्ड से आप कर दोगे कि क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन जो एक्टिवली होना चाहिए तभी क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है बेहतर होगा, तो इससे तो वो आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो भी आप आंसर कर सकते हो। एनुअल एग्जाम के रिजल्ट से आप क्वालिटी नहीं देख सकते, अटेंडेंस नहीं होगा, साइलेंस नहीं होगा। एनुअल एग्जाम के रिजल्ट से देख सकते हो, जान सकते हो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हो सकता है कि टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन जो है हो सकता है कि टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया लेकिन एनुअल एग्जाम का रिजल्ट जो है वो खराब हो सकता है। तो हम रिजल्ट को देख के क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन को डिसाइड नहीं कर सकते, हम क्वालिटी ऑफ टीचिंग को कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने अच्छे से टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास विल बी द प्रॉपर आंसर। ये वाला देखो, ये भी थोड़ा सा हमने थोड़ा आइडिया मैंने आपको दिया है इस क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है। स्कूल एजुकेशन एम्स एट हार्मोनाइजिंग द नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ, मेकिंग द चाइल्ड एबल टू गेट जॉब, प्रिपेयरिंग द स्कूल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। सर ऑप्शन 1 सर, ऑल ऑफ द सब लोग बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि डायरेक्टली आपको पूरा नहीं बताया, देखो ऑप्शन वन बोल रहे हो और ऑप्शन फोर बोल रहे हो। जो लोग ऑप्शन फोर बोल रहे हो वो इसको भी सही सोच के बोल रहे हो, ठीक है, और जो ऑप्शन वन बोल रहे हो वो शायद ये वाला सेकंड ऑप्शन को देख के सोच रहे हो कि सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा तो ऑप्शन वन होगा, ठीक है। तो देखो इसको समझो आराम से अच्छे से। स्कूल एजुकेशन डेफिनेटली एम्स एट हार्मोनाइजिंग द नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी फॉर बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज सोसाइटी, दोनों का जो है बेनिफिट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रिपेयरिंग द स्कूल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, ये भी सही है, ठीक है, क्लियर, ये भी सही है। मेकिंग द चाइल्ड एबल टू गेट जॉब, तो बच्चे को जॉब तो दिलाना हम तो चाहते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव एक्चुअली में नहीं आता। एक बच्चा जॉब करेगा वो ऑब्जेक्टिव में एक्चुअली नहीं आता, प्रॉपर सिटीजन बनाना है या फिर मतलब उनको ऑलराउंड डेवलपमेंट कराना है, ये स्कूल एजुकेशन का जो है ऑब्जेक्टिव में आता है। वोकेशनल एजुकेशन में जॉब आता है, तो ये तो सही है कि जॉब तो करेगा, लेकिन ये कुछ हद तक अगर आप देखोगे तो ये स्कूल एजुकेशन के जो इमीडिएट एम्स है उसमें नहीं आता, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो कि यहाँ पे दो चीज बोला है, एक जब एक पॉइंट में बोला है कि हार्मोनाइजिंग द नीड ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी फॉर बेनिफिट ऑफ बोथ, पर यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम को बोला जा रहा है। आज ही के क्वेश्चन में किसी ने मुझे पूछा था, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन अगर आपको ऐसा देता है कि आइदर सोसाइटी सेंटर्ड देगा, जैसे आपने बोला था कि सोसाइटी सेंटर और स्टूडेंट सेंटर दोनों में से एक को चूज करना, तो किसको चूज करना होगा? आपको स्टूडेंट सेंटर को चूज करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है, दोनों दिया है, मैंने बोला था ना दोनों डेफिनेटली दिया होगा, आपको एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दोनों ऑप्शन को चूज करने के लिए आपको दिया होगा। तो ये वाला ऑप्शन देखो, इसमें दोनों दिया है, हार्मोनाइजिंग द नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ। इसमें क्या है, चाइल्ड सेंटर मतलब स्टूडेंट सेंटर को भी प्रमोट किया जा रहा है, और इसमें सोसाइटी सेंटर डिमांड ऑफ सोसाइटी को भी इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है।
मतलब दोनों को इंपोर्टेंस दिया जा रहा है और इसमें सिर्फ चाइल्ड को इंपोर्टेंस दिया जा रहा है। प्रिपेयरिंग द स्कूल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, सिर्फ नीड ऑफ द चाइल्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, एज पर द डिमांड ऑफ द सोसाइटी भी करना पड़ेगा। तो गलत तो ये नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जिसमें दोनों ऑप्शन होंगे, दोनों जो जिस जिस जो ऑप्शन दोनों चीज को जो है सजेस्ट करेगा उसी को आपको टिक करना है। तो आज ही के क्लास के अकॉर्डिंग ये भी हमने डिस्कस किया था। तो इसीलिए जिन्होंने ये सोचा होगा कि ऑल ऑफ द अबव सही है, उन्होंने ये सोचा होगा कि चाइल्ड को तो करना है, ये पॉइंट तो कोई गलत नहीं है ना। यही चीज देखो, यही है आपका टीचिंग अप्रोच का जो है ट्रिक, इसी में ही आपको जो है सब लोग, बहुत सारे बच्चे इसी में ही मतलब निकल जाते हैं। ठीक है, आप लोग, आप में से किसी ने भी अगर इस ऑल ऑफ द आंसर, ऑल ऑफ द अबव आंसर दिया है, तो मतलब ये मत समझो कि मतलब अभी नहीं हो, मतलब नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत है, आराम से होगा, धीरे धीरे करके मतलब होगा। ठीक है, यही चीज है, इसी को ही प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। टीचिंग एप्टीट्यूड जो सेशन है ना एंटायर क्रैश कोर्स में, इसी को हमको प्रैक्टिस करना है कि हम कैसे मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन को चुने। हमको चार ऑप्शन सही लगे, जैसे कि तीनों ऑप्शन आपको सही लगा इसलिए तो आपने ऑल ऑफ द अबव को चूज किया, ये सुन लो। आपको फोर्थ जितने भी ऑप्शन है आपको सब सही लगे इसलिए आपने ऑल ऑफ द अबव को चूज किया, लेकिन फिर इसमें से आपको ये देखना है कि मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन कौन सा है। अगर ऑल ऑफ द अबव सही हो रहा है तो फिर तो ऑल ऑफ द अबव को टिक करोगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई चीज जो है आप एलिमिनेट कर सकते हो तो फिर तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये मोस्ट प्रिफर्ड होगा, क्योंकि अगर इसको टिक करते हो तो फिर इसको क्यों नहीं करोगे। हार्मोनाइजिंग द नीड ऑफ द चाइल्ड इसमें भी दिया हुआ है, प्रिपेयरिंग द स्कूल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड इसमें भी दिया, नीड ऑफ द चाइल्ड इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों ठीक होगा ना, गलत तो नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या है वो देखना है। इसमें डिमांड ऑफ द सोसाइटी को भी बोला जा रहा है और दोनों का बेनिफिट होना चाहिए, सिर्फ सोसाइटी का बेनिफिट होने से नहीं होगा। मैं बोलूंगा आपको कि हमारे इंडिया में डॉक्टर्स का जरूरत है, सब लोग डॉक्टर बन जाओ, लेकिन आप टीचर बनने के लिए इंटरेस्टेड हो, डॉक्टर अब जबरदस्ती आपको बनाएंगे, हमारा जो मतलब सोसाइटी आपको जबरदस्ती डॉक्टर बनाएगा, आप बनना चाहते हो टीचर, तो फिर आप डॉक्टर बन के कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान, आपका जो मतलब आपका जो मन है वो कहीं और है, आपका तन कहीं और है लेकिन मन कहीं और है, तो उस केस में आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो सोसाइटी का नीड को तो देखना है, सोसाइटी का डिजायर को देखना है, लेकिन बच्चों का जो नीड है उसको भी देखना है, बच्चों का इंटरेस्ट को भी देखना है, उनका भी बेनिफिट को सोचना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इक्वल लेवल पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आंसर जो है फर्स्ट वन होगा। ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है आरआईई जो सीई के एग्जाम में या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड जिस एग्जाम में आता है, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, दोनों में से या फिर चारों में से चारों के चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, उसके से मैं मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन चूज करना है एंड दिस वन इज द मोस्ट प्रिफर्ड और द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो ए फर्स्ट बोले उन्होंने वो तो करेक्ट है, लेकिन जिन्होंने ऑल ऑफ द वो बोला वो भी गलत नहीं हो, यहाँ पे गलत हो मतलब अभी गलत हो, लेकिन आप मत सोचो कि मैंने गलत आंसर दिया, आपने सोचा सही है, लेकिन थोड़ा सा बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस और चाहिए। ठीक है, जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका ये स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आंसर वन होगा, प्रैक्टिस जितना हम ज़्यादा करेंगे ना उतना अच्छा है। तो प्रैक्टिस करते करते हमको ये चीज़ पता चल जाएगा कि कौन से जगह पे हमको जो है मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन चूज करना है और कहाँ ऑल ऑफ द अबव चूज करना है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट देखो, टीचर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है। देखो ये तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, हमने ये चीज अभी तक नहीं पढ़ा है, इसीलिए मतलब आप गलत कर सकते हो, लेकिन आगे पढ़ेंगे इसको। देखो, प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, ठीक है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस को प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, ठीक है, कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड एंड ऑल ऑफ द अबव, ये जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मैं अभी इसका आंसर नहीं बताता हूँ, एक्चुअली इसका आंसर जो होगा वो वन होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, लेकिन मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊँगा आपको, मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाऊँगा फिर करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि ये जो कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड ना, ये कोई और भी कर सकते हैं, ठीक है, और इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी जो है वो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे ना, प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है उसको, वो लोग पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं। टीचर बस उसको क्या करते हैं, एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस को प्लानिंग करते हैं, क्लास में क्या पढ़ाना है उसको टीचर प्लान करते हैं, उसी में पढ़ाते हैं, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन टीचर नहीं करते। ठीक है, पॉलिसी बनाता कोई और है, इम्प्लीमेंट भी करवाते और हैं, जो मतलब स्कूल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होंगे वो इम्प्लीमेंट करते हैं,
टीचर का मेन काम होता है कि वो पॉलिसी के थ्रू जितने भी चीज़ें उसको बच्चों के पास कन्वे करना। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा आपको, इसका आंसर फर्स्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, इसको और एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? तो मैं बताऊंगा आपको इसके डिटेल में। हाँ, ये देखो नेक्स्ट, ये भी हमने आज जो क्लास किया उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। While dealing with interdisciplinary student, a teacher should punish them, talk with them and guide them, channelize their potential. Yes, very good. तो option 2 will be the correct answer. Yes, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा जो keyword है potentialities वो आ रहा है। Punish बिल्कुल नहीं करना है। देखो एक चीज लिख लो, एक 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 जो है important point, key point में लिखो कि punishing is not allowed. Punishment is not allowed. Verbal, physical, any kind of punishment is not allowed in the schools. Schools में punishment allowed नहीं है, ठीक है? No punishment करके लिख दो, आपको याद रह जाएगा। Punish जहाँ पे दिया हुआ है उसको सबसे पहले eliminate करो। चार option में कहीं पे भी punish दिया है, verbal, physical कोई भी मतलब punishment दिया है तो उसको पहले eliminate कर दो। उसके बाद अगर आप teacher तो पहले आपको solve करना है, principal के पास जाके complain नहीं करना है, ठीक है? Indiscipline अगर कोई होता है तो प्रिंसिपल के पास डायरेक्टली जाके कंप्लेंट नहीं करना है, सबसे पहले आप ही डील करोगे। अगर आप डील नहीं कर पाते हो तो लास्ट रिजॉर्ट होते हैं प्रिंसिपल। अगर आप खुद से डील नहीं कर पा रहे हो, पेरेंट्स का जरूरत है तो पेरेंट्स को बताओगे, पेरेंट्स का हेल्प लोगे। अगर पेरेंट्स से भी नहीं हो पा रहा तो फिर प्रिंसिपल को बताओगे। प्रिंसिपल लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट उनके पास जाना है। तो सबसे पहले आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स को सॉल्व कैसे करोगे? उनके साथ बात करोगे कि इनडिसिप्लिन का रीजन क्या है। फर्स्ट यू हैव टू नो द रीजन बिहाइंड द इनडिसिप्लिन दैट द स्टूडेंट्स इज कॉजिंग, ठीक है? एंड गाइड देम, चैनलाइज देम दैट यू कैन डू बेटर, यू शुड नॉट बी इनडिसिप्लिन, यू शुड यूज योर पोटेंशियलिटीज, ओके, इन ए कंस्ट्रक्टिव वे टू गेट बेटर रिजल्ट। उसको आप समझाओगे, चैनलाइज करोगे तो वो समझ जाएगा, ठीक है? आपको और किसी का जरूरत नहीं है। फिर से इफेक्टिव टीचर के ऊपर क्वेश्चन है, देखो। इफेक्टिव टीचर मींस टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट्स मे नॉट बी एक्टिव, टीचर मे बी एक्टिव और स्टूडेंट्स आर एक्टिव, टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, कौन सा होगा? ऑप्शन 3, दोनों को एक्टिव होना चाहिए, टीचर इज एक्टिव एज वेल एज स्टूडेंट्स आर एक्टिव, दोनों को यहाँ पे होना चाहिए एक्टिव, ठीक है? स्किल्स हमने पढ़ा नहीं है तो आगे देखेंगे इसको। ये कोई पूछ रहे थे ना मुझे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो इसको तो हम जब पढ़ेंगे करेंगे इसको, ठीक है? फिर भी आप देख लो, एज ए टीचर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टीच योर सब्जेक्ट वेल, इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स, प्रमोट ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, सिंपल है, ऑप्शन सी, ऑलराउंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। जो मैंने आज की क्लास में ये चीज़ बोला भी है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट कराना मेन मकसद होता है एक टीचर का, तो ये क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आ जाएगा। ये भी है टीच वेल, देखो गलत कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ये ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, इंक्रीज अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, ये भी सही है, सब तो सही है, लेकिन मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो जो मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन होगा उसी को टिक करना है, मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन यही है, ठीक है? ये भी मैंने थोड़ा सा आपको बोला था कि While teaching in class, you notice few students are not paying attention. ये देखो situation based question है, कुछ questions keyword से आ जाएंगे, कुछ questions situation को समझने से आ जाएंगे, वो आप aptitude जैसे आपके अंदर develop होगा teaching aptitude. Scold them for not paying attention, give a command seeking attention, give punishment, report to principal. मैंने ये बोला था आपको, scold देखो क्या है, verbal punishment है, नहीं देना है, punishment physical punishment है, नहीं देना है, प्रिंसिपल के पास स्टार्टिंग में नहीं जाना है, लास्ट में जाना होता है, तो फिर क्या होगा? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपने सॉल्व कर दिया कि गिव ए कमांड सीकिंग अटेंशन, ध्यान देने के लिए बोलोगे कि बेटा ध्यान दो, क्यों आप भटक रहे हो, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ध्यान दो क्लास में, ठीक है? तो आप उनको ये बोलोगे, सेकेंड ऑप्शन सही, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? सो आज हम इतने ही डिस्कस करते हैं, फिर आगे और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से होगा, इस बार हम लोग क्रैश कोर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि मतलब CUET के एग्जाम में भी आपको हेल्प मिले, ठीक है? ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज द क्लास इज ओवर, दोज हू वांट टू लीव यू कैन लीव, यू कैन लीव नाउ इफ यू वांट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।
thank you everyone. If you have any doubt, you can ask or otherwise. So we discussed ये अभी आपको PDF notes मिल जाएगा क्या अभी WhatsApp group पे? हाँ PDF भेज देंगे, एक तो इसका इतना का PDF मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और स्टडी मटेरियल देखो हमने आपको भेज दिया है, आपको एक दो दिन में मिल जाना चाहिए, ठीक है। सबका स्टडी मटेरियल भेज दिया गया है, डिस्पैच हुआ है, अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है। हाँ 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 मिल जाएगा आपको, तो मैं इतने का PDF आपको दे दूंगा, ठीक है। जो आज आज की क्लास हुआ है उतना मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा। हाँ रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं भेज दूंगा कुछ ही देर में आपके पास, रिकॉर्डेड वीडियो और PDF मिल जाएगा। नहीं नहीं इसी क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, आज जो क्लास हुआ है इसी क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके okay. एक्चुअली मैं तो कल थोड़ा बिजी था तो मैं देखा नहीं अभी तक, शायद आया कि नहीं CUET का, PG का आया है क्या, BEd का सिलेबस कुछ नोटिस नहीं आया है ना अभी, सिर्फ इंटीग्रेटेड का आया था। इंटीग्रेटेड का आया हाँ, तो आपका भी आ जाएगा इसी वीक के अंदर आ जाएगा, जो मतलब 2 ईयर BEd का सिलेबस मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। आपको क्या करना होगा, इंग्लिश टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, मेरे हिसाब से यही आपको देना है, इंग्लिश टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट जो है 75 मार्क्स का, ये मेरे हिसाब से आपके सिलेबस रहने वाला है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नया है ना पूरा, फर्स्ट एवर हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो कोई भी गैस नहीं कर सकते कि पूरा एग्जैक्टली ये होगा, तो इसीलिए मैं बस अंदाजा लगा सकते हैं कि ये होने वाला है। क्योंकि अगर BEd करना है तो फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल टेस्ट में जो है वो पूछा जाएगा, और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड ही है, और कोई कुछ और नहीं पूछेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं पूछ सकते या कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं पूछेंगे। तो जो हम मतलब ऐसे गैस कर सकते हैं, इंग्लिश टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आएगा तो फिर बता दूंगा मैं। यस बताओ। डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्लास में ही मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके okay.